लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो कैसे कंट्रोल रखते हैं ब्लड शुगर लेवल, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, साथ ही वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायबिटीज आज के समय में एक जटिल समस्या बन चुकी है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 537 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे में देश के जाने माने सेलिब्रिटी भी इससे नहीं बच पाए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कमल हसन से। कमल हसन को आज कौन नहीं जानता है। एक्टर कमल हसन भी टाइप 1 डायबिटीज की चपेट में आ गए थे। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कई बार बताया कि यह एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिससे निजात पाई जा सकती है। इसे मैनेज करने के लिए उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज, वर्कआउट और योग करने के साथ शराब से दूरी बनाई। आज वो अच्छी तरह से अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे हैं साउथ के एक्ट्रेस समंता प्रभु। समंता को कौन नहीं जानता है, लगभग हर इंडियन जानता है उनको। समंता रूथ प्रभु को साल 2013 में डायबिटीज हुई थी। यही नहीं, वो मायोसिट्स नामक बीमारी की भी चपेट में आ चुकी हैं। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए उन्होंने अपने खान पान और एक्सरसाइज पर काफ़ी ध्यान दिया। इस दौरान वे शारीरिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहीं। आज उनका भी डायबिटीज कंट्रोल में है। सुधा चंद्रन, टीवी सिनेमा की एक्ट्रेस सुधा चंद्रन भी डायबिटीज की शिकार हो गई थी, लेकिन उन्होंने इससे जंग लड़ इस समस्या को पूरी तरह से मैनेज किया। सुधा के मुताबिक खाना ही सब कुछ नहीं है, खान पान और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाकर आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। रेखा, सदाबहार एक्ट्रेस रेखा ने भी डायबिटीज से जंग लड़ी है। कुछ सालों पहले उन्हें डायबिटीज हुई थी, इसके बाद उन्होंने अपना खान पान को पूरी तरह हेल्दी बना लिया। इस दौरान उन्होंने सलाद और सब्जियां आदि खाने के साथ जंक फूड से दूरी बना ली। इसके लिए वो नियमित तौर पर योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं। सोनम कपूर, सोनम कपूर को 17 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज, यानी इसको बोलते हैं जुबेनाइल डायबिटीज, डायग्नोसिस हुआ। हालांकि सोनम ने इसे मैनेज करने के लिए काफ़ी मेहनत की। उन्होंने नियमित तौर पर एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने अपने खान पान को हेल्दी रखने के साथ ही स्विमिंग और जिम में भी एक्सरसाइज आदि की। आज डायबिटीज उनका भी कंट्रोल में है। अनिल कुंबले, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच, भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले भी टाइप 1 डायबिटीज के शिकार थे। इसे मैनेज करने के साथ उन्होंने खान पान को हेल्दी रखने के साथ ही योगा, रनिंग, एक्सरसाइज आदि की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने खुद को मेंटली भी काफी एक्टिव रखा। गौरव कपूर, टीवी सिनेमा के जाने माने चेहरे गौरव कपूर 22 साल की उम्र में ही टाइप 1 डायबिटीज की शिकार हो गए थे। ऐसे में उन्होंने डायबिटीज के लक्षणों को मैनेज करने के लिए फंक्शनल ट्रेनिंग, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज पर भी काफी ध्यान दिया। आज उनका भी डायबिटीज कंट्रोल में है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, आपको डायबिटीज है तो पहली बात तो आपको नर्वस नहीं होना है, ये कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। आपके पापा को है तो भी आपको हो सकता है, आपको मम्मी को है तो भी आपको हो सकता है, वर्क लोड ज़्यादा है, वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है तो भी आपको हो सकता है, लेकिन इससे हम दूर नहीं भाग सकते। जिस तरह डायबिटीज हमारे पास आता है उसी तरह हम डायबिटीज को भी अपने से दूर भगा सकते हैं। भगाने के लिए हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, कम से कम 45 मिनट्स का एवरीडे वॉक होना चाहिए। वॉक मीन्स वॉक, ना स्लो ना फास्ट। आप 45 मिनट करेंगे आपको खुद
एक महीने बाद देखने को मिलेगा, आपका वेट भी लूज हुआ है और आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में है। उसके बाद है आपका खाना, आपका नाश्ता, आपका लंच, आपका इवनिंग का नाश्ता, आपका डिनर। आपको हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, सिगरेट अवॉइड करना है, तंबाकू अवॉइड करना है और वाइन शराब दारू आपको अवॉइड करना है। अगर आप सही तरह से जीना चाहते हैं, हेल्दी जीना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना ही होगा। जैसे हमने जो एग्जाम्पल दिया, कमल हसन डिंग करते थे लेकिन उनको हुआ, उन्होंने सिगरेट और जो शराब थी बंद कर दिया। सोनम कपूर जंक फूड खाती थी, बंद कर दिया, आज कंट्रोल में। डायबिटीज गया नहीं है लेकिन डायबिटीज कंट्रोल में। तो उस तरह आप भी कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है, ये ऐसी बीमारी है जिससे आपको फाइट करना होगा, आप खुद को फाइट करना होगा। अगर आप डॉक्टर के भरोसे रहेंगे, दवाई के भरोसे रहेंगे, तो आपका इंटरनल जो है दवाई के भरोसे कमज़ोर होता जाएगा। बिकॉज आज दवाई आप 100 mg की ले रहे हैं, तो कल वो 200 mg होगा, 500 mg होगा, 1000 mg होगा। तो इंटरनल जो है आपका कमज़ोर हो जाएगा। इंटरनल आपको परफेक्ट रखना है, दवाई आपको खाना है। मैं दवाई खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन एक्सरसाइज, योगा, हेल्दी फूड, और आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। आप किसी के भरोसे रहेंगे, कोई आपको करके देगा, तो आप भूल जाओ। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप केयर करो, लंबा जीना है तो आप जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आप बिंदास हेल्दी खाना जितना खाना खाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके लिए योगा करना है, उसके लिए एक्सरसाइज करना है और उसके लिए वॉक करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड में हमारा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।